पुराने कलेक्ट्रेट भवन की भूमि पर पार्क निर्माण की मांग को लेकर पूर्व पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात की। उन्होंने हेरिटेज बिल्डिंग की जगह पर पार्क निर्माण को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से बात की। उन्होंने बताया कि मंत्री की ओर से डीएम पौड़ी को इस संबंध में जनसभाओं का ध्यान रखने को कहा गया है। डीएम पौड़ी ने विधायक राजकुमार पौड़ी को पक्ष लेते हुए कहा कि उनकी ओर से हेरिटेज भवन का समर्थन किया गया है। बेनाम ने बताया कि विधायक राजकुमार पौड़ी से बात कर हेरिटेज भवन के स्थान पर पार्क निर्माण के लिए बात की जाएगी। पुराने कलेक्ट्रेट भवन को संरक्षण कर वहां पर हेरिटेज बिल्डिंग बनाने की मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं। इसके लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से निर्विदाय आमंत्रित की जा चुकी है। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा स्थल से जो घोषणा की गई थी उसी क्रम में इस संबंध में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करने के पश्चात इसमें जो लंबे समय से लंबित चल रहा था ये कार्य इसे आरंभ करवाया गया और नियमानुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई इसमें की जानी वो की जा रही है। ये जो हेरिटेज बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है इसके संबंध में कल भी मैंने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था तो उन्होंने कहा था कि अगर जनप्रतिनिधि इसमें कह देते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस काम को रुकवाने में। तो अभी माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने डीएम को एक लेटर में लिखा है कि फिलहाल इस काम को रोका जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर विधायक पूरी जो यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय विधायक जी उनके द्वारा अगर ये कहा जाता है कि यहाँ पे हेरिटेज बिल्डिंग न बने और यहाँ पे पार्क बने तो निश्चित रूप से उस प्रक्रिया को मैं शासन स्तर पर पहुंचाऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि देखिए ये 19 नाली जमीन जो पार्क के लिए थी यहाँ पर कलेक्ट्रेट बन गया है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन सामने एक खुली जो जमीन है यहाँ पे तमाम ऑफिस है।